फ्रेंड्स कैसे हो, मैं साहिल। अभी आपको दिखाऊंगा पोलो पेट्रोल, जिसका टाइम नंबर चेंज कर रहा हूं मैं, रेडिएटर वाली ब्रैकेट। तो इसके लिए क्या क्या खोलना पड़ता है, क्या क्या खोलना चाहिए, ये अभी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये 13 नंबर का, यहां पे 4 बोल्ट होता है, 3 इधर 3 उधर, और अपना एक नीचे होता है यहाँ पर, ये देखें, और एक यहाँ होता है ये साइड में, इसको खोल लें। उसके बाद ये वाले खुलेंगे, उसके बाद ये खुलेंगे, सारे बोल्ट लंकी वाले हैं। और एक सामने इसके, ये देखें, जो कि रेडिएटर वाला बोल्ट है, ये यहाँ पे लंकी वाले, इसको भी खोलें, जो कि अंदर रेडिएटर की ब्रैकेट में लगा होता है। और उसके बाद सेम जैसे ये भी है, इस साइड भी लगे होते हैं दो। और उसके बाद ये देखें, ये रेडिएटर का है, लंकी वाला बोल्ट है, इसको भी खोलें, उसके बाद निकलेगा। और साइड में ये देखें, 13 नंबर का 2 बोल्ट साइड में रेडिएटर में लगा होता है, 3 बोल्ट ये ब्रैकेट में लगा होता है सामने से। तो इसको खोल लें आप, आसानी से रेडिएटर निकल जाएगा। ये देखें, जो कि ये टूट गया था नीचे से, ये तो इससे रेडिएटर लटक जाता है। और उसके बाद आप ये देखें, ये वाइपर के बोतल का है, जो कि यहाँ लॉक में फंसेगा। और उसके बाद ये बोनट की तार है, जो कि यहाँ पर लॉक लगा होता है, और बोनट का यहाँ पे लॉक लगता है, जो कि अभी मैं लगा के दिखाऊंगा आपको। ये देखें, कंप्लीट टाइम नंबर कैसे चेंज होगा ये फाइनली मैं आपको बताया। तो ये लॉक है बोनट का, जो कि इसको क्लीन जरूर करें। ये देखें बोनट का लॉक, ये देखें बोनट का लॉक, जो कि ऊपर के साइड से बाहर आएगा ये, और ये तार यहाँ पे खुलेगा ये सामने। और इसमें 2 बोल्ट होता है बोनट के लॉक में, जो कि पीछे के साइड से यहाँ से लगेगा। ये देखिए, एक इधर एक इधर, ये बोनट के लॉक का बोल्ट है, 2 लंबे लंबे होते हैं, जो कि यहाँ पीछे दोनों बोल्ट लगते हैं। ये देखें, एक इस साइड और एक इस साइड, ये लॉक को अंदर जरूर तार खींच के चेक कर लें। एयर फिल्टर का कवर है, जो कि इसमें 2 पेच लगेगा, एक इस सेट और एक इस सेट। ये हेडलाइट फिट करने जा रहा हूँ, तो हेडलाइट का 2 खांचा है, एक इस सेट, और ऊपर 2 एलंकी वाला बोल्ट है इसके अंदर, जो कि ये हेडलाइट में फंसता है खांचा, एक इस सेट और एक इस सेट। तो ये देखें, हेडलाइट के फिटिंग के बारे में आपको बताया। तो हेडलाइट का 2 नीचे नक्का होता है, जो कि उसमें फंस जाएगा, और उसके बाद 2 लंकी वाले इसमें फट्टे में होता है, 2 हेडलाइट में होता है, एक इस साइड होता है। और उसके बाद सेम जैसे इस साइड होता है, वैसे ही उस साइड भी सेम हेडलाइट की फिटिंग होती है। ये बिल्कुल सेम है, फिटिंग करना बिल्कुल आसान है।
और पीछे के साइड कपलर होता है हेडलाइट का, ये वाला सिर्फ एक कपलर होता है, ये ऐसे पुश कर दें लग जाएगा। और ये वाइपर वाला होता है नट का, वो तो इसमें फंस जाएगा। कंप्लीट फिट हो गया। और इसको सबसे पहले खोलने के लिए आपको क्या खोलना पड़ता है, बम्पर, बम्पर खोलें, उसके बाद दोनों हेडलाइट खोल लें। और हेडलाइट खोलने के बाद ये लोहे वाला फट्टा होता है इसको खोल लें। इसको खोलने के बाद बिल्कुल आसान हो जाएगा। और बाकी कौन कौन से नट बोल्ट कहाँ कहाँ लगे होते हैं लंकी वाले, वो सारा मैंने वीडियो में दिखाया आपको। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और मेरे भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं साहिल तिलकनगर, ये पोलो पेट्रोल है। के ये ऊपर वाली जाली है, ये कैसा लगेगा, ये नीचे देखो लॉक है, नीचे लॉक में बैठेगा। उसके बाद पहले ऊपर से बैठा लें, फिर ऊपर से बैठा लेने के बाद बिल्कुल आराम से प्रेस कर दें, जैसे ये देखें प्रेस कर देने से ये बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा। और बैठ जाने के बाद दो पेच होता है, एक इस साइड एक इस साइड, तो ये पेच को खोल के आराम से खींचे तो निकल जाएगा। और लगाने का टाइम आराम से प्रेस कर दें तो लग जाएगा। कंप्लीट फिटिंग कर दिया मैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। मैं साहिल तिलकनगर।